The question is, we have to integrate the function which is x plus 1 between the limit minus 1 to 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड है वो क्वेश्चन है, दैट इज माइनस 1 टू 1 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन आपके पास है एक्स प्लस 1। अब देखिए, इन केस अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इन केस अगर आप एक्स रेस टू द पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1। एक तो ये फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन केस अगर आप सिंपली 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का जो इंटीग्रल है वो आपके पास एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आप वर्कआउट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, लिमिट आपके पास है माइनस 1 टू 1, और ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स, आप इसे मेंशन कर सकते हैं एक्स रेस टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, अब इन केस अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ वाइल यूजिंग दिस रिजल्ट तो ये बनेगा एक्स रेस टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1 का जो इंटीग्रल है वो आपके पास एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है कि इस फंक्शन की लिमिट भी अप्लाई करनी है, और आप देख सकते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट आपको दे रखी है वो आपके पास है माइनस 1 टू 1 तक। ठीक है, इनकेस नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग मूव करें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स एंड द लिमिट इज बिटवीन माइनस 1 टू 1। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि हम लोग लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं। स्टिल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस एंटायर फंक्शन में ये जो अपर लिमिट है इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो इनकेस अगर आप इसे सबमिट करते हैं तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसके बाद माइनस, इसके बाद आपको लोअर लिमिट को सबमिट करना पड़ेगा, और जब आप लोअर लिमिट को सबमिट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1 के। अभी क्या कर रहे हैं कि इसको अभी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 अपॉन 2, उसके बाद आपके पास 1 है, देन आफ्टर आप इसे लिख सकते हैं अगेन 1 अपॉन 2 क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, और ये टर्म आपके पास है माइनस 1 के। और इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट डाउन दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 के, और 1 बाई 2 से ये 1 बाई 2 आपका कैंसिल हो रहा है एंड देन योर फाइनल आंसर इज 2। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम कि इनकेस अगर आप इस गिवन फंक्शन को माइनस 1 टू 1 इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलने जा रहा है